प्रिय भैया बहन नागाजी सरस्वती विद्या मंदिर के ऑनलाइन क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत है। एक्सरसाइज 1.2 पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। देखेंगे, सबसे पहले 140 को प्राइम फैक्टराइज के रूप में करना लिखना है। 140 को 2 से डिवाइड करेंगे 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1। ध्यान रहेगा इसमें केवल आप जिसे 2 हम ये 4 से भी कैंसिल हो रहा था, हम 4 नहीं लिख सकते। पता है क्यों? क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? ठीक, तो 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। 156 2 से कैंसिल करेंगे 38, सॉरी 78, फिर 2 से कैंसिल कर रहे हैं 39, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हैं इसको 13, 13 से डिवाइड करेंगे 1। तो 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। देखेंगे, इसे यहां मैं कर रहा था, मिस्टेक हो गया, तो इसे पहले ही 5 से कर रहा था। ठीक है, क्योंकि दिख रहा था कि 5 से। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप 2 से चेक करेंगे, जैसे इसके लास्ट वाला डिजिट ऑड है, इस नाते 2 से कैंसिल नहीं होगा। फिर 2 के बाद प्राइम क्या आता है 3, 3 से चेक करेंगे तो 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 है, इन तीनों का सम 18 है, तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 7 5, 3 से डिवाइड करेंगे 4 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे 85, 5 से डिवाइड करेंगे 17, तो 3825 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है, 5005 को देखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 1001 आएगा। तो ये 2 से डिविजिबल, सॉरी तो पहले ही आप 5 से डिवाइड कर चुके हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि अब अगले नंबर से चेक करेंगे, तो 5 के बाद अगला नंबर क्या है 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 143, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, 8 प्राइम नहीं होता है, 9 प्राइम नहीं होता है, 10 प्राइम नहीं होता है। अब 11 से चेक करेंगे, 11 से चेक करेंगे तो 13, फिर इसको 11 से कैंसिल करेंगे नहीं होगा, तो 11 के बाद अगला प्राइम क्या है 13, 13 से 1। ठीक है, देख लीजिए, खुद से कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कर रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 26 इक्वल टू आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 13 और 91 इक्वल टू क्या आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 13। ठीक है, तो एचसीएफ देखिए इसमें दो वेराइटी है, 2 और 13, इसमें दो वेराइटी है 7 और 13। एचसीएफ, एचसीएफ में ऐसी वेराइटी लिखते हैं जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है 13। एलसीएम में सभी वेराइटी लिखते हैं जैसे 2 7 13। ठीक है, अब एचसीएफ में ये ध्यान देते हैं कि जो दोनों में है उसका मिनिमम पावर क्या है, तो आप देख सकते हैं मिनिमम पावर क्या है 1, 13 का पावर 1 होगा तो 13 ही होगा। एलसीएम में क्या देखते हैं, एलसीएम में जो जो हम वेराइटी ले रहे हैं उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। ठीक है ना, तो मैक्सिमम पावर क्या है 1, मैक्सिमम पावर क्या है 1, मैक्सिमम पावर क्या है 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 13 इक्वल टू 182। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 26 मल्टीप्लाइड बाई 91 इक्वल टू 2366। एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ यानी 182 मल्टीप्लाइड बाई 13, 23 मल्टीप्लाइड बाई 66। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। ध्यान से देखेंगे, 510 लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, सबका पावर 1 है। 92 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23, मतलब 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। एचसीएफ क्या ऐसा है जो दोनों में है, तो 2। ठीक है, आपको बताया गया कि एचसीएफ में उसका कौन सा पावर लिखेंगे, मिनिमम पावर, तो 2 का मिनिमम पावर क्या है, एक जगह 1 है एक जगह 2 है, तो मिनिमम क्या हुआ 1, 2 का पावर 1 इक्वल टू 2।
एलसीएम में सभी वेराइटी लिख लीजिए, टू भी लिख लिया, थ्री, फाइव, सेवन, 17 और 23। लेकिन जो वेराइटी कॉमन है उसमें हम पावर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर टू का क्या है, टू, ठीक है। तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, फाइव जा सिक्सटीन, 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो अब क्या देखें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसका इसका प्रोडक्ट क्या रहा है, 46920, और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या रहा है, 46920, दोनों इक्वल है। तो इसमें आते प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। 336 एंड 54 का, 336 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 का पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर 3। एचसीएफ, एचसीएफ ऐसी वेराइटी जो दोनों में 2 है और दोनों में 3 है। 2 का मिनिमम पावर क्या है, 1, तीन का मिनिमम पावर क्या है पूरे में, 1। तो इसमें आते 2, 3, 6। एलसीएम देखेंगे, 2 सभी वेराइटी लिखेंगे, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 7 लिख लिया, ठीक है। अब 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 4, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3, और 7 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 3 27 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे 3024। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो प्रोडक्ट का दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, 336 मल्टीप्लाइड बाई 54 इक्वल टू 18144। एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ क्या होगा, 3024 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 18144। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ध्यान से देखें, ये सारे क्वेश्चन सेम है। एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है, प्रक्रिया वही है। बस ये ध्यान देना है कि जब एलसीएम निकालते हैं तो जैसे किसी का फैक्टराइज में जो जो नंबर शामिल है सबको लिखते हैं, और पावर हमेशा मैक्सिमम पावर लिखते हैं। एचसीएफ में हमेशा, जैसे आप यहीं देख सकते हैं, 8 इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 का पावर 3, 9 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 3 का पावर 2, 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 का पावर 2। एचसीएफ क्या है, 1। एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ 1 क्यों है, सवाल है ना। तो इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 1 क्या है, समाज सेवी है, कह रहा है कि जहाँ कुछ काम मन नहीं मिलेगा वहां मैं हूं एचसीएफ बनने को तैयार, ठीक है ना। आइया समझ सकते हैं आप कि मल्टीप्लाइड बाई 1 अगर हम कहें तो कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं, तो 1 कॉमन है इसलिए 1। 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, 8, 9 और 25, 25 8 जा 200, 9 जा 1800। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा था कि गिवेन एचसीएफ, मतलब एचसीएफ 306,657, इसका मतलब ये हुआ कि 306 और 657 का एचसीएफ जो है 9 है, तो इन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है, ठीक है। देखते हैं, एचसीएफ गिवेन है और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, आप जानते हो, ठीक है ना। इसलिए एलसीएम ऑफ दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और एचसीएफ आके इधर डिवाइड हो गया, समझ रहे हैं। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होगा, 306 मल्टीप्लाइड बाई 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 अपान एचसीएफ, एचसीएफ क्या है 9, ठीक है। 306 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 93 जा 27, 36, 94 जा 36, 34 यहां मिल गया। 306 अपान 9 की जगह पे मल्टीप्लाइड बाई 657 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 एलसीएम आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि चेक वेदर 6 का पावर 9
कैन एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। हमको ये चेक करना है कि सिक्स का पावर एन कभी जीरो से खत्म हो सकता है कि नहीं, मतलब जीरो पे, जैसे सिक्स का पावर एन, जैसे सिक्स का पावर टू क्या आता है 36 आता है, सिक्स का पावर फाइव क्या आता है, सिक्स का पावर थ्री 216 आता है, ठीक है, ऐसे ही आगे भी। तो मान लीजिए सिक्स का पावर एन जो भी आएगा तो क्या कोई ऐसा नंबर मिल सकता है कि उसका लास्ट वाला डिजिट जीरो हो, यही हमको चेक करना है। तो ध्यान से देखें, लास्ट वाला डिजिट जीरो होने के लिए क्या जरूरी है, लास्ट वाला डिजिट जीरो होने के लिए जरूरी है कि वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जिस नंबर के का लास्ट डिजिट जीरो होता है वो 10 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। तो वी नो दैट इफ एनी नंबर एंड विद जीरो इट शुड बी डिवाइडेड बाई 10, ठीक है ना। अगर कोई नंबर जीरो डिजिट के साथ खत्म होता है तो यह जरूरी है कि वो 10 से डिविजिबल होगा। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे किसका, सिक्स का पावर एन का, सिक्स का पावर एन का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो अब जरा समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 120, ये 10 से डिविजिबल है, ठीक है। अब लेकिन जब इसका फैक्टराइज करेंगे, जैसे 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, फिर इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो एक चीज देखिए, जो 10 से डिविजिबल होगा गारंटी है कि जब उसका हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें 5 और 2 रहना क्या है, जरूरी है। बात समझ कर चलिए, तो जब इसका हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे 6 का पावर n, 6 का पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर n इक्वल टू क्या होगा, 2 का भी पावर n और 3 का भी पावर n। अब जरा अपने मन में सोचिए कि 2 का पावर n मतलब कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर, 2 का पावर मान लीजिए कि हमने 7 रख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब 2 का पावर चाहे हम कुछ भी रख देंगे तो क्या आएगा, केवल 2 ही तो आएगा। 3 का पावर n, n के जगह पे कुछ भी रख देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई, चाहे जितनी बार भी हो, है कि नहीं, बात समझ में आ रही है, ठीक। तो इसका मतलब कि इसका जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उसमें केवल हमको क्या मिलेगा, 2, केवल क्या मिलेगा, 3, मतलब 2 और 3 ही मिलेंगे, 2 और 3 का ही चारों तरफ जलवा है ना, 5 नहीं है। अब 5 नहीं है तो हम कैसे मान लें कि वो 0 के साथ खत्म होगा, है ना, चलिए तो मत मानिए। तो इट कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, या डिजिट 0 के साथ खत्म ही नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n का हम कोई भी वैल्यू रख दें, 1, 2, 5, 10, 1000 अरब खरब कुछ भी, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब उसका एक प्राइम फैक्टर 5 नहीं होगा। जब उसका एक प्राइम फैक्टर 5 नहीं होगा तो ये n के साथ मतलब इसका लास्ट वाला डिजिट 0 नहीं हो सकता। देखेंगे आगे, क्वेश्चन कह रहा है 6 कि एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दिखाना हमको, ध्यान से देखें, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13, ठीक है, प्लस 13, 13 का अमन कर लिया तो इधर से क्या मिला, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 1, 7 मल्टीप्लाइड बाई 77 प्लस 1, 13 मल्टीप्लाइड बाई 70। अब एक बात समझिए, a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई c मल्टीप्लाइड बाई d, मैं कह रहा हूं कि इसको a से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कह रहे हैं कि b से डिवाइड कीजिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वैसे ही इसका जब फैक्टर निकालना होगा तो ये 13 से भी कैंसिल हो जाएगा, 78 से भी कैंसिल हो जाएगा, 78 2 से कैंसिल होता है इस नाते 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 78 3 से कैंसिल होता है इस नाते 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 78 39 से कैंसिल होता है इस नाते 39 से भी कैंसिल, मतलब बहुत सारे नंबर हैं जिससे ये
जो इसके फैक्टर हैं पूरे नंबर के, बात समझ रहे हैं? ठीक। तो जब बहुत सारे नंबर इसके फैक्टर हैं, तो आपने कंपोजिट नंबर के बारे में क्या पढ़ा? आपने कंपोजिट नंबर के बारे में दो ही डिफिनेशन आपने पढ़ा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इफ अ नंबर हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ एग्जैक्ट, इफ अ नंबर हैव ओनली टू फैक्टर एग्जैक्टली, मतलब नॉट मोर देन नॉट लेस देन, लेस देन भी स्वीकार नहीं होगा, तो जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। और जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट। तो इसके तो दो से ज्यादा है ना, तो कंपोजिट मानने में दिक्कत क्या है? चलते हैं आगे। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? फाइव, फाइव कॉमन कर लिया। सेवन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस वन, फाइव कॉमन कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1008 आएगा प्लस वन इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई 1009। चलिए ज्यादा हम विचार नहीं करते, ये फाइव से कैंसिल होगा ही होगा, 1009 से कैंसिल होगा ही होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट से कैंसिल होगा ही होगा, वन से कैंसिल होगा ही होगा। तो जब इतने सारे इसके फैक्टर आ गए, दो से ज्यादा फैक्टर आ गए, तो इसको कंपोजिट मानने में क्या दिक्कत है? चलते आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड अ फील्ड। कह रहा है एक सर्कुलर पाथ है जिसका चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 12 मिनट और रवि को, सॉरी सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिए कि वो दोनों एक समय स्टार्ट करते हैं, तो कितने मिनट बाद वो फिर मिलेंगे? बात को समझिए। जैसे ये रही सोनिया, तो सोनिया एक चक्कर लगाएगी, कितना लगा? 18। फिर यहाँ पे कब आएगी? 36। फिर यहाँ कब आएगी? 54। फिर यहाँ कब आएगी? 72। फिर यहाँ कब आएगी? 90। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रवि की। रवि उसी को चक्कर लगा रहा है, 12 मिनट बाद फिर वहीं आएगा, 24 मिनट बाद फिर वहीं आएगा, 36 मिनट बाद फिर वहीं आएगा, फिर 48 मिनट बाद फिर वहीं आएगा, 60 मिनट बाद वहीं आएगा। बात समझ रहा है ना? तो वो जहां से स्टार्ट किए वहां कब पहुंचते हैं? जितने समय में वो एक चक्कर लगा रहे हैं उसका जब मल्टीपल होता है तभी, है ना? तो हमको बताना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, वह कौन सा ऐसा समय है जब दोनों का चक्कर पूरा हो रहा, दोनों का मल्टीपल पूरा हो रहा, मतलब हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो रवि एंड सोनिया विल बी मीट टूगेदर आफ्टर इतना मिनट बाद, ठीक है ना? इतना मिनट मतलब क्या? इनका एलसीएम निकालेंगे जितना आएगा उतना मिनट, 18, 12 एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि कई बार एलसीएम आपको बताया जा चुका है। इस नाते रवि और सोनिया कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। आप यहां से भी देख सकते थे 18 मिनट बाद दोनों एक जगह रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 36 मिनट बाद दोनों 36 मिनट बाद वहां पहुंचने वाले हैं, सबसे कम से कम समय तो यही है ना, 36 मिनट बाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।